सिद्धार्थ जी भी हैं हमारे साथ तैयार। सिद्धार्थ जी गुड मॉर्निंग सर, बताएं आपकी पिक ऑफ द सीरीज कौन सी रहेगी? गुड मॉर्निंग दीपांशु, गुड मॉर्निंग नेहा, गुड मॉर्निंग सभी को। अनिल जी नहीं है दीपांशु, तो अनिल जी की कमी है, तो कमी है तो स्टॉक और एक देना पड़ेगा। तो पिक ऑफ द सीरीज में दो लेके आया हूं, एक के बजाय दो। और पहला पिक ऑफ द सीरीज होगा इंफ्रा स्टॉक का दिग्गज एलएनटी। एलएनटी पे खरीदारी की राय, लार्जेस्ट इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन कंपनी है। Q3 के नतीजे दमदार रहे, आप देखें तो 3.86 लाख करोड़ का टोटल ऑर्डर बुक, और भी जोरों से ऑर्डर बुक बढ़ते दिख रहा है। मैनेजमेंट की गाइडेंस जो है 15% आई, 15% ऑर्डर बुक की ग्रोथ, तो 2287 2287 के टारगेट के लिए पिक ऑफ द सीरीज एलएनटी, जैसे प्रॉमिस किया। दूसरा स्टॉक रहेगा पिक ऑफ द सीरीज में रैमको सीमेंट, क्योंकि मुझे लगता है कि सीमेंट स्पेस काफी बेहतरीन परफॉर्म कर सकता है। पिछले महीने के लल के बाद ये महीना हो सकता है सीमेंट का। रैमको सीमेंट पे खरीदारी की राय, टारगेट आपको सीरीज का रखना है 790 का, और अगर लॉन्ग टर्म टारगेट रखते हैं तो 838 का भी हो सकता है। सदर्न बेस्ड सीमेंट कंपनी है, 21 मिलियन टन की कैपेसिटी है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ये सारी जगह प्रेजेंट है। साउथ सबसे बड़ा दमखम रखता है इनके वॉल्यूम्स में, और वॉल्यूम 18% से ग्रो हो रहे हैं, वॉल्यूम्स डबल डिजिट ग्रो हो सकते हैं आने वाले साल में। रैमको सीमेंट और एलएनटी दो है पिक ऑफ द सीरीज। तो क्लियर थीम सीमेंट बन रही है अप्रैल सीरीज के लिए, यहां पर तो सभी एक्सपर्ट्स का भरोसा है, बट साथ ही एलएनटी इस पर भी रखनी है नजर। सिद्धार्थ जी इतने सारे डिफेंस ऑर्डर्स आए हैं, ट्रैक करना ही मुश्किल हो गया सर। भारत डायनामिक्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों को बड़े बड़े ऑर्डर्स मिले हैं। गार्डन रीच कोचिन शिपयार्ड के लिए अच्छी खबर आती हुई दिखी है, बाकी डिफेंस स्टॉक्स भी फोकस में रहेंगे। आपको आपकी क्या पिक होगी इस समय, फ्रेश खरीदारी अगर करनी है तो कौन सा डिफेंस स्टॉक चूज करना चाहिए? देखिए दीप, पूरा डायनेमिक सेक्टर हो गया है अब डिफेंस, और जैसे आप कह रहे हैं ट्रैक करना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि ऑर्डर फ्लोज आने वाले दो सालों में बम्पर आएंगे ये पूरे ही स्पेस के लिए। तो डेफिनेटली भारत इलेक्ट्रॉनिक्स सबसे ज्यादा टॉप पिक रहेगा, क्योंकि अगर डिफेंस में फायदा मिलता है तो सबसे बड़ा अगर प्रोड्यूसर हो तो वो है भारत इलेक्ट्रॉनिक BEL, तो ये सबसे टॉप पिक रहेगा। साथ ही साथ अगर देखा जाए डेटा पैटर्न है, जैसे आपने कहा कोचिन शिपयार्ड, ये सारी कंपनियां बहुत ही बेहतरीन इन्फ्लुएंस हो सकती है ये ऑर्डर बुक से, इनके रेवेन्यूज बढ़ सकते हैं, तो ये पूरा ही स्पेस बहुत बजिंग रहेगा। साथ ही साथ मैं बार बार जो रिपीट करता हूं वो फिर से करूंगा, डिफेंस स्पेस आज एक छोटा सा तबका या छोटा सा सेक्टर दिखता है, आने वाले 5 सालों में ये वन ऑफ द इन्फ्लुएंशियल सेक्टर हो जाएगा बाजार में। ओके, तो आज से बढ़ना जो ये शुरू करेगा आने वाले कुछ सालों में, डिफेंस सेक्टर है वो और बड़ा विशालकाय रूप लेता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ये सिर्फ ट्रेडर्स के लिए नहीं निवेशकों के लिए भी एक बड़ा इंडिकेशन है अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने का। लेकिन फंडामेंटली ना सिर्फ HUL, ये जो पूरा FMCG का स्पेस है इससे रिलेटेड, सिडानी जी मैं आपका व्यू लेना चाहूंगी, फंडामेंटली ये पूरा स्पेस एंड ऑफकोर्स HUL कैसा दिख रहा है? HUL के वॉल्यूम्स बहुत क्वार्टर से मिस हो रहे हैं, पिछले क्वार्टर के अगर देखा जाए तो एक्सपेक्टेशन के बराबर थे, ओवर एक्सपेक्टेशन नहीं थे। मैं मानता हूं कि आने वाले समय में अगर इन्फ्लेशन थोड़ा सा गिरता है और कंजम्पशन थोड़ा सा इंप्रूव होता है, रूरल इंडिया में बारिश वगैरह बेहतर होती है, तो मैं मानता हूं कि HUL के वॉल्यूम्स बेहतर होंगे, साथ ही साथ पूरे ही FMCG समूह के वॉल्यूम्स बेहतर होते हुए दिखेंगे। तो HUL तो डेफिनेटली हमारी पॉजिटिव राय है, यहां से खरीदारी कर सकते हैं, बट ये एक सेफ हार्बर की तरह है। आपको अगर अपने पोर्टफोलियो में कोई डिफेंसिव अच्छा बेहतरीन स्टॉक रखना है तो वो HUL है। साथ ही साथ ये पूरे ही समूह में टाटा कंज्यूमर भी हमारी एक टॉप पिक रहती है, क्योंकि ये यूनिक FMCG प्ले है। अगर आपने सुना ना हो तो स्पाइसेस में ब्रांड कहां मिलती है तो वो है टाटा कंज्यूमर, और बहुत सारे यूनिक FMCG प्रोडक्ट्स रखती है, और प्रोडक्ट प्रोफाइल भी एक्सपैंड हो रहा है, तो टाटा कंज्यूमर हमारी टॉप पिक, साथ ही साथ HUL भी हमारी टॉप पिक है FMCG समूह में। तो टाटा कंज्यूमर, HUL दोनों पर रखिए नजर। लेकिन जब तक मार्केट्स खुल रहे हैं कुछ और खबरों के दम पर जिन स्टॉक्स में एक्शन दिख सकता है उस पर फोकस कर लेते हैं। टाटा पावर सोलर सिस्टम, आज यहां पर खबर निकली है इसकी जो सब्सिडरी है टाटा पावर सोलर सिस्टम, उसको 1750 करोड़ के ऑर्डर्स यहां पर मिले हैं, और जो कुल इसकी ऑर्डर बुक है वो 17,000 करोड़ की अब यहां पर हो गई है। यहां पर सिडानी जी मैं आपका व्यू जानना चाहूंगी, टाटा पावर अब ऑल इन ऑल किस प्रकार का व्यू यहां पर बनता दिखाई दे रहा है? बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, रिन्यूएबल एनर्जी और EV इंफ्रा सेटअप सारी चीजों में बहुत ही बेहतरीन काम हो रहा है फंडामेंटली। बट स्टॉक प्राइस की बात करें तो काफी बड़ा अंडर परफॉर्मर है पिछले कई क्वार्टर्स का, इनफैक्ट 200 के नीचे भी आ चुका है अब स्टॉक। बट अगर आपको
लंबी अवधि के लिए अगर निवेश करना हो तो टाटा पावर बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है पावर स्पेस में, रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस में। तो डेफिनेटली आप निवेश कर सकते हैं, 12 महीने का पर्सपेक्टिव और टारगेट आप करीबन 270 से 280 का रख सकते हैं। बेहतरीन कंपनी है, बहुत बड़ा अंडर परफॉर्मर है, इसीलिए एक साल का व्यू जरूर रखें। तो ये है आपके लिए टाटा पावर, एक साल का व्यू रखें। हालांकि रिसेंटली थोड़ी पिटाई जरूर हुई है, बट डिप में यहाँ पर आपको मौका बन सकता है। आइए सिद्धार्थ जी की कॉल लेते हैं, बिल्कुल सुपर सेट। बताएं सर। दीपांशु आपको बुधवार को लिए जाता हूं जमा पूंजी पे, जमा पूंजी सेट के सिप में मैं लेके आया था बैंकिंग शेयर पे, तो आज बैंकिंग पे इतने कॉल और फिर से मैं बैंकिंग लेके आया हूं। और ये स्टॉक है एक्सिस बैंक। क्यों? सबसे बड़ा कारण है एक्सिस बैंक का खरीदने का वो है कि ये जो लोन जो ग्रो होगी आने वाले समय में वो 5 से 6% इंडस्ट्री से आगे ग्रो होगी एक्सिस बैंक की। तो इनकी जो बुक ग्रो होगी वो 5 से 6% इंडस्ट्री से आगे ग्रो होगी। एक्सिस बैंक की खरीदारी की राय है शॉर्ट टर्म 875 का आप टारगेट रखें, 875, और लॉन्ग टर्म का अगर आप टारगेट रखें तो 1100 का। ये एक टेक्नो फंडा पिक है, ओवरऑल पर्सपेक्टिव से तीसरी तिमाही के नतीजे भी बहुत दमदार रहे। एनआईए की बात करें तो 30% से ऊपर ग्रोथ, और निम्स की बात करें मार्जिन 4% के ऊपर 4.26% करीब आया है। तो डोमेस्टिक डिमांड दमदार है। एक्सिस बैंक शॉर्ट टर्म 875, लॉन्ग टर्म 1100। 1100 के लॉन्ग टर्म टारगेट, फिलहाल ट्रेडिंग के लिए अगर आप नजर डालें तो 1100 के 875 के टारगेट लिए एक्सिस बैंक पर करें खरीदारी। एक बिगुल अब सिडानी जी के लिए सिट सुपर हिट। ओके सिडानी जी बताइए। बिल्कुल नेहा, ये स्टॉक ऐसा है जिसका Q4 चौथे तिमाही के नतीजे Q3 से बेहतर होंगे, और ये आईटी की मिडकैप कंपनी है कैश सेगमेंट की साइंट। साइंट मैंने एसपीएल मिडकैप में भी दिया था 880 में, अब 1000 के करीब है। इस स्टॉक को खरीदना चाहिए, शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव का टारगेट रखना चाहिए 1060 का। साइंट पे खरीदारी की राय है, टेक्नोलॉजी की कंपनी है, और ये जो यूनिक स्पेस को कैटर करती है वो है एरोस्पेस। एरोस्पेस में काफी बेहतरीन ऑर्डर बुक इनको मिल रहा है, तीसरे तिमाही के नतीजे बहुत अच्छे थे, 237 मिलियन की टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है कंपनी के पास, 14% आई में सीएजीआर ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले समय में। जैसे मैंने पहले कहा, चौथे तिमाही के नतीजे तीसरे तिमाही से काफी बेहतर हो सकते हैं। साइंट पे खरीदारी के लिए शॉर्ट टर्म 1060 के टारगेट के लिए साइंट इस पर रखनी है आपको नजर। तो बढ़िया खरीदारी आपको काउंटर्स में आती दिख रही हो, बाजार भी देखिए जबरदस्त एक्शन में है आज। आईटी के लिए अच्छा दिन बनते हुए दिख रहा है। तो साइंट की कॉल आ रही है सिद्धार्थ जी की तरफ से, एक 10 की कमाई का कॉल सिद्धार्थ जी से भी ले लिया जाए। सिद्धार्थ जी बताएं सर आपकी 10 की कमाई का स्टॉक। बिल्कुल दीप, और ये जो 10 की कमाई का शेयर होगा ये मैंने कभी नहीं दिया है, पहली बार रेकमेंड कर रहा हूं सिर्फ जी बिजनेस पे, और ये कंपनी है लेटेंट व्यू। लेटेंट व्यू एक डेटा और एनालिटिक्स की कंपनी है, बहुत ही शानदार कंपनी है लेटेंट व्यू, जिसका मार्केट कैप करीबन 6600 करोड़ का है। अब ये एनालिटिक्स प्रोवाइड कौन से सेक्टर को करती है, सप्लाई चेन, फाइनेंशियल्स एंड रिस्क मैनेजमेंट, एचआर, कंज्यूमर सर्विसेज, ये पूरे सेगमेंट को करते हैं। 30 मार्की क्लाइंट्स है फॉर्च्यून 500 कंपनियों में से, जैसे कि अडोब हो गया, उबर हो गया, एमेजॉन वेब सर्विसेज, AWS हो गया। तो बेहतरीन कंपनी है, मैनेजमेंट एक्सपेक्ट करती है मार्जिन्स 25 से 27% का, और हम मानते हैं कि ये कंपनी बहुत ही बेहतरीन परफॉर्म कर सकती है BFSI और रिटेल सेगमेंट में। 23% CAGR से ग्रो होने वाली कंपनी रेवेन्यू टर्म्स में। लेटेंट व्यू इस पे खरीदारी की राय, टारगेट आपको रखना है 455 का, 455 लेटेंट व्यू, एक साल का व्यू। ओके लेटेंट व्यू यहां पर एक साल के नजरिए से खरीदारी करें, सिद्धार्थ जी की राय है एक्सक्लूसिव आपके लिए। पहली बार सिद्धार्थ जी इस काउंटर पर अपनी कॉल दे रहे हैं, 455 का होगा टारगेट। आइए